अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सावन अली टीवी। मैं आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम आएगी। इस एप्लीकेशन का काम यह है कि जो भी आपके मोबाइल का अनलॉक करना चाहेगा, अगर आप किसी वक्त चार्जर से लगा कर चले जाते हैं और आपके कोई मोबाइल अनलॉक करना चाहता है, तो उसकी पिक्चर इस आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी वॉच करनी है, तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले आपने चल जाना प्ले स्टोर पर, यहाँ पर लिखना है क्रूक कैचर के नाम का एप्लीकेशन है, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ऐसे आपको फिर समझ नहीं आएगी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कोई भी समझ नहीं आएगी। ये मैंने ओपन कर ली है, मैंने डाउनलोड कर ली है, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर ओपन कर लेता हूँ। ये इसके तीर का ये जो बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे चला जाना है। यहाँ पर लिखना है एक्टिवेट है, यहाँ पर लिखा हुआ एक्टिवेट है, ये जो हरा सा बटन है यहाँ पर आपने एक्टिवेट नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ है अनबल दिस डिवाइस, आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ये जो नुक्कड़ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये एक्टिवेट हो गया या और यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपके जितने बार भी ये लॉक खोलेगा आपको, उतनी बार इसकी आपको पिक्चर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ भाई एक बार ही सिर्फ हो, जब भी खोले तो एक बार मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप जितनी बार भी, 5 बार मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, तो मैंने तकरीबन 2 बार लगाई है, तो मैं 2 बार लगा लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आप उन्हें नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर एक्टिवेट नो पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर स्किप नहीं करना, और इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये जो आपको ये जो लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद ये आपसे अपना जीमेल एड्रेस मांगेगा, आपने अपना जो भी आपका जीमेल एड्रेस होगा वो आपने दे देना है। मैंने यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस दे देता हूँ और इसको कर लेते हैं ओपन। ये देखो ये सक्सेसफुली हो गया मेरा जीमेल, ये आ गया। आपने यहाँ पर आगे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने कैमरा लोकेशन और स्टोरेज की ये जो ऑप्शन है तीन, आपने यहाँ ये जो तीन आपके ऑप्शन आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसको भी आपने ऑन कर देना है, और इसको भी आपने ऑन कर देना है, और तीसरे वाले को भी आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये कह रहा है ट्राई इट, तो मैं ट्राई इट कर देता हूँ और मिलते हैं पिक्चर लेकर कुछ। ये देखो अभी इसने मेरी पिक्चर खींच ली है, ये भी मेरी, मैंने जितनी बार भी मैं लगाऊंगा ये मेरी पिक्चर खींच लेगी। तो चलो मैं अपना अभी अनलॉक लगा लेता हूँ। ये देखो दोस्तों इसने मेरी, ये देखो मैंने गलत अनलॉक लगाया तो मेरा इसने ये पिक्चर खींच ली है। ये देखो दोस्तों इसने मेरी पिक्चर खींच ली है। अगर आप देखना चाहते हैं भी ये किस लोकेशन पर है, तो ये आपको लोकेशन भी साथ में ही बताएगा। ये देखो दोस्तों ये मेरी लोकेशन भी साथ में बता रहा है। ये देखो ये 47 DB इसके ऊपर मैंने आ गया हूँ। तो आप इसको ओपन गूगल मैप्स पर भी कर सकते हैं, ये मेरी लोकेशन भी बताएगा। आप यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल अनलॉक करेगा ये आपको यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। आपने अगर इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप होम बटन पर जाएँ और यहाँ से आप एक्टिवेट करने में, यहाँ पर आप ये जो हरा सा बटन है ये जो आ रहा है, आपने इस पर डीएक्टिवेट भी इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। यहाँ से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑन भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा आपको मैंने प्रोसेसर पहले भी समझाया हुआ है। तो और भी इसके बहुत सारे फीचर हैं। ये देखो ये जो इमेज आई पड़ी है मेरे के ऊपर, ये मेरी जो मैंने गलत अनलॉक आप मोबाइल पर सेट किया है, ये सब के सब पिक्चर आई हुई है। ये होम है इसका, यहाँ पर आपने सेटिंग भी कर लेनी है, अलर्ट मैसेज जो भी आपने करना है यहाँ पर कर सकते हैं, सेटअप भी कर सकते हैं, प्रीमियम परचेस भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।